दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देने वाले दोनों ही नेता अलग अलग मामलों में आरोपी हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही सबसे बड़े नेता हैं। उनके पास दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 विभाग है। सिसोदिया की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद आप सरकार के सामने दिक्कत यही है कि उनका काम कौन संभालेगा। सिसोदिया के पास लोक निर्माण, वित्त, आबकारी, ऊर्जा, स्थल, जल, स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग थे। वहीं सत्येंद्र जैन पहले से तिहाड़ जेल में हैं। सिसोदिया पहले विभाग के साथ ही सत्येंद्र जैन की विभागों का काम भी देख रहे थे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने जो चार्जशीट दायर की थी उसके मुताबिक जैन के पास आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप था। सत्येंद्र जैन को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का खास बताया जाता है। इससे पहले दिल्ली शराब नीति के केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिसोदिया की जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेगी। सिसोदिया फिलहाल 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर हैं।